नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां प्रदेश सचिव अनीस खान का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान आजमगढ़ प्रभारी अनीस खान ने कहा कि पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2023 NCRB रिपोर्ट की आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में पहले स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध उत्तर प्रदेश में बदतर हो गए हैं। इसके सिर्फ दो बानगी देखिए। रात कितने एक प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां दिनांक 2 नवंबर 2023 को IIT VHU की छात्रा का 3 लड़कों द्वारा जबरन गन पॉइंट पर उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाया गया एवं दुष्कर्म किया गया। दिनांक 3 नवंबर को ही कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बता दिया था कि इस घटना में भाजपा के लोगों का हाथ है। इस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। 5 नवंबर को CCTV फुटेज से लड़कों की पहचान कर ली गई। 8 नवंबर को पीड़िता द्वारा भी उनकी पहचान कर ली गई। आरोपों को पुष्ट होने के पश्चात भाजपा द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने में 2 महीने क्यों लगे? क्या 5 राज्यों में चुनाव के कारण भाजपा आरोपितों को बचा रही थी? अगर छात्रों और कांग्रेस अध्यक्ष का इतना दबाव न होता तो शायद आरोपित पकड़े भी नहीं जाते। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और दुर्भाग्य है कि यह घटना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है। दूसरी घटना प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर की है, जहाँ विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में मार दिया गया। ये बात आईने की तरह साफ है कि गोरखपुर के रहने वाले विनोद उपाध्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने विरोधी रहे हैं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विनोद उपाध्याय पर शिकंजा बढ़ता गया और क्रमशः उन पर इनाम की धनराशि भी मामले को गंभीर दिखाने के लिए बढ़ाई गई। यह मुठभेड़ व्यक्तिगत कुंठा और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है और योगी सरकार के एक जाति विशेष विरोधी चेहरे को उजागर करती है। कांग्रेस पार्टी इस घटना के न्यायिक जाँच की मांग करती है। हम लोगों की पूरी प्लानिंग है, पूरे प्रदेश में जो हम लोगों के जानकारी में है, पूरे प्रदेश में ऐसी जो जितनी सीटें हैं सब की तैयारी चल रही है और सारी जगहों पे जो है संगठन है, सारी जगहों पे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, न्याय पंचायत अध्यक्ष तक हमारे बने हैं। कहीं कहीं पे बूथ अध्यक्ष कुछ कम होंगे, हो सकता है, लेकिन हमारे संगठन पूरी तरीके से तैयार है। आगे हम सब लोगों के जो हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, जहाँ जो उनका आदेश निर्देश होगा, हम लोग उस तैयारी से आगे को चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उस पर हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व गंभीरता से विचार कर करके गठबंधन के लोगों से जो है, जो प्रमुख दल के लोग हैं, प्रमुख नेता हैं उस दल के, उनसे दिन प्रतिदिन जो है बातचीत हो रही है, तो सकारात्मक है और अच्छा रहेगा, जो भी रहेगा अच्छा रहेगा। अब ये प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। हम लोगों को जो आदेश निर्देश मिलेगा हम लोग उसको पालन करेंगे। अभी तो हम लोग प्रदेश के हर सीटों पे कांग्रेस जनों की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आजमगढ़ आए क्या संदेश देंगे अपने कार्यकर्ता? मैं चाहता हूँ कि देखिए, हम सब ये इस समय देश विषम परिस्थितियों में है, आज़ादी प्राप्त होने के बाद, और कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस प्रदेश में मजबूत हो जाए, देश में मजबूत हो जाए, वो विषय नहीं है। विषय इसलिए है कि देश विषम परिस्थिति में है। देश में और प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत देश की भलाई के लिए, संविधान को बचाने के लिए आवश्यक है। तो सारे कांग्रेस जन अपने छोटे मोटे गिलवे शिकायत को भूल करके एक होकर करके जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जिनका 20 साल, 25 साल, 40 साल अनुभव है, उनको लेकर करके जो पद पे लोग हैं, उनको लेकर के जो बगैर पद पे हैं, उनको लेकर के जनता के कामों को जो निस्वार्थ भाव से उनके कामों को, जायज कामों को अंजाम दें, तो जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ देख रही है और जनता को पूरी तरीके से, प्रदेश की जनता, देश की जनता को कांग्रेस के ऊपर ये उम्मीद है कि कांग्रेस का देश में मजबूत होना जरूरी है। तो हम सब लोग क्यों पीछे रहे? कांग्रेस अगर जनता देख रही तो कांग्रेस जनों का भी कहीं कहीं से ज्यादा दायित्व होता है। अच्छी बात है, राम मंदिर बन रही है तो अच्छी बात है,
वहाँ सब है, तो इसमें राजनीति का कोई विषय ही नहीं है, अच्छी बात है। गणेश खां हूँ, सचिव हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। आज मैं आजमगढ़ आया हूँ एज ए प्रभारी के रूप में। इसके पहले मैं सुल्तानपुर 4 साल से प्रभारी था जनपद सुल्तानपुर में, और पिछले 11-12 सालों से मैं सेक्रेटरी के रूप में काज कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैं एक बार इंचार्ज जो है यहाँ जब हवलदार सिंह जी तो था मैं, और आज मेरे आने का प्रमुख मतलब आप सब लोगों से, अभी मैं परसों ही बनाया गया आजमगढ़, घोषणा हुई तो मैंने कहा सबसे पहले चल करके यहाँ के कांग्रेस जनों से, मीडिया के भाइयों से परिचय और मुलाकात हो जाए। आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सच जो है पीछे हो गया, झूठ जो है आगे हो गया, और बहुत सारे चीज़ों को जो है गलत चीज़ों को सही साबित कर दिया जाता, सही चीज़ों को गलत साबित कर दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े अपराधी लोग हैं, अगर लिस्ट बनाई जाए तो मेरे ख्याल से 100 के पार हो जाएगी। बड़े बड़े अपराधी लोग हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, अगर उनके प्रमुख रूप से कोई प्रतिद्वंदी है या इस टाइप से जो है लगता है कि हमारे खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा या कोई भी ऐसी रही, तो उनके खिलाफ एक नहीं अनेक मुकदमा कायम करके और इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। ऐसा पिछले दिनों गोरख पे एक उपाध्याय जी के साथ हुआ, और अभी आप हाल ही में जो है बनारस की बेटी जो IIT की छात्रा थी, बहुत ही विलेंट थी, पढ़ने में थी, और उनके साथ जिस तरीके से रेप हुआ, सामूहिक रेप हुआ, और रेप करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग थे, तो ऐसी स्थिति में पहले तो प्रशासन और शासन के लोगों ने हीला हवाली किया, और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय अजय राय जी ने इसकी आवाज़ उठाई, तो उल्टे उनके ऊपर ही मुकदमा कायम कर दिया गया। फिर बाद में मुकदमा कायम हुआ, जेल गए एक नाटकीय तरीके से। एक तरफ तो योगी जी जो है, जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ होता है, तो अपने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं जहां नहीं करना चाहिए इस्तेमाल, और जब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग ऐसा कोई घटना करते हैं, ऐसे कोई अपराध करते हैं, तो उनके साथ जो है वो जो है दूसरे टाइप का व्यवहार करते हैं, तो ऐसा व्यवहार जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो है अभी मैं आपको एक घटना बताऊं, करीब 4-5 महीने पहले जनपद सुल्तानपुर में मैं था, एक MBBS डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर थे, और उनकी हत्या कर दी गई। हत्या ऐसे तरीके से की गई कि उनको मारा गया, घर से बुला करके पीटा गया, फिर उसको ड्रिल मशीन से छेद कर करके जो है जघन्य हत्या कर दी गई, और जघन्य हत्या करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जो मुख्यारोपी थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम करना और हीला वाली तमाम चीज़, उनके बड़े बाप जिला कांग्रेस जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे, चुनाव भी लड़ चुके थे, तो हम लोगों ने उस चीज़ को देखा। DM साहब से मुलाकात हुई, हम लोग के ये यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर, एक दो घंटा बैठना पड़ा DM साहब के ऑफिस में, फिर बुलडोजर चला। तो ऐसी तमाम ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब अपराध करते हैं तो उनको जो है छूट दी जाती है, और जो अपराधी नहीं होते उनको अपराधी बना करके घोषित करके फर्जी मुकदमा कायम करके उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। इस तरीके से पूरे प्रदेश में एक भय का माहौल है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे नए प्रभारी हुए हैं महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव जी जो अविनाश पांडे जी हैं, उनका सख्त निर्देश है ये सब ऐसी घटनाओं का हम लोग संज्ञान में लेकर के जो है और संघर्ष करेंगे। हमारे बनारस की घटना को, जो रेप की घटना हुई, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं, अभी जल्द ही हम लोग इस मैटर को लेकर के जिला प्रदेश के प्रत्येक मुख्यालयों पर जो है प्रदर्शन करेंगे, और गोरखपुर की घटना जो उपाध्याय जी का इनकाउंटर हुआ है उसमें भी जो है हमारे वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व संज्ञान में है, और वहाँ भी जल्द उस मैटर को देख करके टेकअप करेंगे जो है।